होटल में कमरे लेकर ठहरे युवकों ने जमकर हुड़दंगबाजी की। जब स्टाफ ने उन्हें रोकना चाहा और कमरा खाली करने को कहा तो उन्होंने होटल में तोड़फोड़ की। पुलिस ने होटल मालिक की शिकायत पर चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुरेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका जिंदल पुल के नीचे स्काई गोल्ड के नाम से होटल है। 20 जुलाई को वह हिमाचल प्रदेश में किसी काम से गया हुआ था। उसकी गैर हाजिरी में होटल को अवनीश पांडे और ऋतिक संभाल रहे थे। 23 जुलाई को सुबह 11 बजे संदीप उर्फ बिट्टू अपने किसी साथी के साथ होटल में कमरा लेने के लिए पहुंचा। कमरे में आकर साथियों ने की हुड़दंगबाजी। कर्मचारी के आईडी प्रूफ मांगने पर संदीप ने अपना आधार कार्ड दिया और दूसरे व्यक्ति की आईडी फोन पर मंगवाने की बात हुई, जिसके बाद उन्हें कमरा नंबर 205 दे दिया। कुछ देर बाद अंकित सहारण निवासी मेरंका बच्ची, रोहित ठाकुर निवासी सात रोड छोटीवा, 5-7 अन्य नामालूम व्यक्ति होटल में आकर हुड़दंगबाजी करने लगे, जिस पर कर्मचारी अवनीश ने उन्हें कमरा खाली करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दी। शाम के समय 5:30 पर जब कमरा खाली करवाने पर अवनीश पांडे को उन्होंने जान से मारने और बाद में देख लेने की धमकी दी। उसी दिन रात के समय तकरीबन 9:30 पर अंकित सहारण अपने 5-6 अन्य साथियों के साथ आया। अंकित के पास व अन्य लोगों के पास लोहे की रॉड, डंडे आदि थे। दोनों कर्मचारियों के साथ मारपीट। उस समय होटल के कर्मचारी अवनीश पांडे और ऋतिक मौजूद थे। इन्होंने होटल के शीशे का दरवाजा, काउंटर, रो मशीन, मंदिर तोड़ दिया। जब कर्मचारी ने उन्हें तोड़फोड़ करने से रोकने की कोशिश की तो उन्होंने ऋतिक व अवनीश पांडे के साथ मारपिटाई की। ऋतिक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। इसके बाद उन्होंने अवनीश की मौजूदगी में काउंटर के गल्ले को चेक किया, लेकिन उन्हें वहां पैसे नहीं मिले। इस घटना से 10-15 दिन पहले भी संदीप उर्फ बिट्टी और बच्ची ने होटल के बाहर ईंट पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए थे और जान से मारने की धमकी दी थी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।